स्वागत करें जोर से ताली बजाकर सुंदरम जी संगेरी मठ की ओर से महाराज जी का संदेश लेकर आए हैं। तो आपसे निवेदन है आप दो शब्द कहेंगे जी। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, 5000 फीट का मंच है और आप सब की यहाँ भारत के कोने कोने से उपस्थिति हमारे लिए आनंददायक है। आप सब गो सांसद के रूप में आगे कार्य करने वाले हैं। थोड़ा माइक नीचे कर देंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। शंकारूपेण मच्चित्तं पंकीतम भूद्यया शंकराचार्यवस्य माया शंकराचार्यमाशे प्रघ्नाद वरदो देवो योनिसिंहपरो हरि विसंहं भारतीतीर्थं भारतीतीर्थमाश्रय। विद्या विदय संपन्नं वीतरागं विवेकनं वेद वेदांत ज्ञानं विदुषेभ्यः भारतम् अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रय। विवेकनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थं गुरुं भजे। शारदा शारदाम्भोज वदनां वदनाम्भुज सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अविमुक्तेश्वर महानंद स्वामी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज एक आधे घंटे पहले मेरे पास श्रृंगेरी से सूचना प्राप्त हुआ कि प्रयाग में गोरक्षण के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में महाराज का एक पत्र है जो आप स्वयं जाकर महाराज जी के चरणों में उसको समर्पण करें। उसी क्रम में प्रयाग क्षेत्र में मेरी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े सम्मेलन में आप लोगों के सामने महाराज जी का आदेश महादेव का निर्देश महादेव जी की आज्ञा और महादेव जी का विनय सामिनय विनय सब कुछ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन्मान्य स्वामी श्री गोबर गोपाल सरस्वती जी सादर प्रणाम। आप श्रृंगेरी में जगद्गुरु महाराज जी के दर्शन करके गोमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए आशीर्वाद तथा संदेश प्रार्थना किया। इसके लिए जगद्गुरु महाराज जी का संदेश यह है, सकल देवता स्वरूप परम पवित्र गोमाता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित करवाने हेतु आपके यह आंदोलन प्रशंसनीय है और इस विषय में हमारी पूर्ण सम्मति है। जिस भारत राष्ट्र में अनादिकाल से सभी आस्तिक गोमाता का पूजन करते आए हैं, उस राष्ट्र में गोहत्या पूर्ण रूप से बंद होना तथा गाय का मातृस्थान का सम्मान मिलना बहुत उचित और आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म के संरक्षक परशिवावतार श्री जगद्गुरु श्री आदिशंकराचार्य जी ने भी अपने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में माता चका धेनु माता चका करके प्रश्न कर दिया, उसके बाद धेनु ऐसा कहकर गोमाता की असाधारण महिमा को उद्घोषित किया था। अब इस आंदोलन को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने के लिए पवित्र प्रयागराज क्षेत्र में माघवद्य एकादशी 6/2/2024 के दिन गो संसद का आयोजन किया है। इसमें अधिक संख्या में संत और गो भक्त सम्मिलित होने वाले हैं, यह जानकर हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हम आशीर्वाद देते हैं कि श्री शारदा चंद्रमौलीश्वर की असीम कृपा से यह आंदोलन सफल हो। इसमें जुड़े हुए सभी संत और गो भक्त सभी श्रेय प्राप्त करें। इस क्रम में मैं इसके बाद आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। गो माता जोर से गो माता।